असम में एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ कथित रूप से फेक न्यूज फैलाने को लेकर केस दर्ज कर दिया गया है। असम के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने एक समाचार पोर्टल द क्रॉस करंट के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 45 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की है। जिस पर पुलिस ने बीती 6 अगस्त को यह मामला दर्ज किया था, जो सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की तस्वीर वाले होर्डिंग से जुड़ा हुआ है। आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। इस मामले की शुरुआत ओलंपिक खेलों की पूर्व संध्या के आसपास हुई। गुवाहाटी और उसके आसपास कई होर्डिंग लगे। इनमें मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के लिए बधाई और शुभकामना संदेश लिखे हुए थे। होर्डिंग्स में संदेश था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने के लिए लवलीना बोरगोहेन को बधाई और शुभकामनाएं, आप असम का गौरव हैं। इस होर्डिंग पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि इस होर्डिंग पर सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ही नजर आ रहे थे। लवलीना का केवल नाम था। कुछ दिन बाद एक और होर्डिंग सामने आया। ये होर्डिंग असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि से संबंधित था। इस पर भी सीएम शर्मा की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दे रही थी, जबकि बोरदोलोई की फोटो सीएम के ठीक ऊपर एक छोटे गोलाकार फ्रेम में दिखाई दे रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि इन होर्डिंग्स पर किसी सरकारी विभाग का नाम नहीं था। न्यूज पोर्टल ने इसी बात को लेकर सवाल उठाते हुए एक वीडियो बनाया। इसका टाइटल था, क्या पीयूष हजारिका की सीएम को खुश करने की कोशिशें उल्टी पड़ गईं? पीयूष हजारिका असम की जोगी रोड सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इस वक्त वे असम सरकार में कई मंत्रालय संभाल रहे हैं। इनमें से एक है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्ट्री, यानी असम सरकार की तरफ से जनता तक जानकारी पहुंचाने का काम पीयूष हजारिका के पास है। अब उस वीडियो की बात जिसकी वजह से न्यूज पोर्टल के खिलाफ शिकायत की गई। पोर्टल ने 6 अगस्त को अपने फेसबुक पेज पर यह वीडियो अपलोड किया था। इसमें लवलीना और बोरदोलोई वाले दोनों होर्डिंग्स को लेकर सवाल उठाए गए थे। ये भी पूछा गया था कि आखिर इसके लिए पैसा किसने खर्च किया, क्योंकि होर्डिंग पर किसी प्रायोजक का नाम लिखा होता है जो इन होर्डिंग्स पर नहीं था। सरकारी विज्ञापन पर उस सरकारी एजेंसी का नाम होता है जिसने इसे प्रायोजित किया होता है। इन सवालों के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि क्या ये मंत्री पीयूष हजारिका की सीएम के करीब आने की कोशिश थी जिसका उल्टा असर हुआ। सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के लवलीना को बधाई देने वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। लोगों ने असम सरकार की खिल्ली उड़ाई थी और आरोप लगाए कि सरकार को सिर्फ अपने प्रचार की भूख है। वहीं 5 अगस्त को जब असम के पहले सीएम बोरदोलोई के नाम वाले होर्डिंग सामने आए तो राज्य के मौजूदा सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया, मैं इस तरह की ब्रांडिंग का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। मेरे कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना अब से मेरी तस्वीर का उपयोग नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है। सीएम के ट्वीट के अगले दिन 6 अगस्त को न्यूज पोर्टल के वीडियो को लेकर FIR दर्ज करा दी गई। इसमें IPC की धारा 294, 505 उपधारा 2 के तहत मानहानि के आरोप भी लगाए गए। असम के डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने आरोप लगाया कि फेक रिपोर्ट के जरिए सीएम हिमंत बिस्व शर्मा, विधायक पीयूष हजारिका और विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। FIR दर्ज होने के बाद रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार गौतम प्रतिम गोगोई को दिसपुर पुलिस ने 6 अगस्त को ही तलब किया था। उन्हें पूरी रात पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ी थी। शिकायत के बाद वीडियो रिपोर्ट को हटा लिया गया। वहीं मामले को लेकर पत्रकार गौतम गोगोई ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया, वीडियो रिपोर्ट में कुछ बुनियादी सवाल उठाए गए थे। हमने पूछा था कि होर्डिंग किसने लगाए, क्योंकि वहां किसी राज्य विभाग का नाम नहीं था। एक और सवाल जो हमने पूछा था वो ये था कि सीएम ने ट्वीट किया था कि वे इस तरह की ब्रांडिंग का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन होर्डिंग्स उनकी जानकारी के बिना कैसे लगाए गए हैं? क्या इसके पीछे जनसंपर्क विभाग था? क्या ये मंत्री पीयूष हजारिका की मुख्यमंत्री के करीब आने की कोशिश थी जिसका उल्टा असर हुआ? उन्होंने ये भी बताया, DIPR ने कहा कि हम फर्जी खबरें प्रसारित करते हैं। FIR में यह भी कहा गया है कि वीडियो में हमने कहा है कि होर्डिंग्स DIPR द्वारा लगाए गए थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमने सिर्फ सवाल पूछे थे। मुझे एक रात थाने में बितानी पड़ी। ये काफी चौंकाने वाला है क्योंकि हमारी स्टोरी तो सीएम के ट्वीट पर आधारित है। जानते हैं इस मामले में DIPR का क्या कहना है। DIPR ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें कहा गया है, हम स्पष्ट करते हैं कि सूचना और जनसंपर्क विभाग उपरोक्त होर्डिंग्स को प्रकाशित करने और लगाने में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। वीडियो रिपोर्ट में माननीय सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका के नाम का उपयोग लोगों की नजरों में उनकी और विभाग की
छवि खराब करने की कोशिश है, जबकि इस मामले में ना तो मंत्री और ना ही सूचना, जनसंपर्क एवं मुद्रण स्टेशनरी विभाग शामिल हैं। उधर मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि वे इस मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि वे अपने ट्विटर हैंडल पर जरूर लोगों को सफाई देते हुए नजर आए कि किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया है और होर्डिंग अनजान लोगों ने लगाए हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।